हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप आरबीआई को ईमेल करके अपना सिविल स्कोर 100% सही कर सकते हो। एक भाई ने अपना सिविल स्कोर सही किया, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था। मैं इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप लाइव तरीके से करके बताऊंगा और आपको आसानी होगी, क्या लिखना है, कैसे मेल करना है, पूरा तरीका इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आपको अपना सिविल स्कोर सही करना है, अगर आपने गलती नहीं किया है, टाइम से पेमेंट किया है, गलती आपके तरफ से नहीं हुआ है, तो आपका सिविल स्कोर सही हो जाएगा। ये वीडियो उनके लिए है जो लोग डिफॉल्ट नहीं किए हैं, कोई गलती नहीं किए हैं, हर काम जेन्युइन तरीके से किए हैं, वो अपना सिविल स्कोर सही करवा सकते हैं। अगर आपने ईसीएस बाउंस किया, लेट पेमेंट चार्ज किया है, तो आपका सिविल सही नहीं होगा, उसके लिए टाइमिंग लगेगा। बट अगर आप एक जेन्युइन पर्सन है तो आपका सिविल सही होगा इस तरीके से। चलिए, आपको हम ले चलते हैं अपने ईमेल आईडी पर, पूरा तरीका वहां पे आपको बताएंगे, आप आसानी से कर पाओगे, आपको दिक्कत भी नहीं होगा। तो मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, एक लाइक कर देना इस वीडियो को, क्योंकि आपको इस वीडियो में काफी मेहनत के बताना पड़ेगा कितना पसीना हो रहा है, पंखे मैंने बंद किए हैं, कि आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना है। तो चलिए, इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, ले चलते हैं आपको ईमेल पे और वहां पे आपको बताते हैं, आप भी अपना ईमेल ओपन कर लीजिएगा। चलिए ले चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने अपना ईमेल को ओपन कर लिया है, आपको भी अपना ईमेल को ओपन कर लेना है। ईमेल या जीमेल आपको पास जो भी है, आप उसे ओपन कर लेना। आपको ओपन करने के बाद जो है, आपको फॉर्म में आपका ईमेल आईडी रहेगा जिससे आप मेल कर रहे हैं, और आपका जो ईमेल आईडी है वो जेन्युइन रहे, ऐसा नहीं है कि न्यू बनाया है, आप किसी से कर कोई दिक्कत नहीं है। टू में आपको आरबीआई का ईमेल आईडी यहाँ पे रहेगा। टू में सब्जेक्ट में यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले फटाफट मैं यहाँ पे मैसेज को कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो पहले फटाफट मैं यहाँ पे सब कुछ फिल करके फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें जो है अच्छे से टाइप करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और आपको अच्छे से बताता हूँ, तभी आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट वाला ऑप्शन होता है, इसमें आपको लिख देना है सिविल स्कोर प्रॉब्लम। आपको क्योंकि सिविल स्कोर से आपको दिक्कत है, तो आपको ओनली सिविल स्कोर प्रॉब्लम आपको लिख देना है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने एक मैसेज टाइप किया है, हाई आरबीआई टीम, क्योंकि मैंने ये मैसेज टाइप जो किया है, पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। मैंने इनको ये लिखा है कि मैंने सारी एमआई सारी किस टाइम पर बैंक और कंपनी का पे किया है, फिर भी इन लोगों ने मेरे जो सिविल है उसे डाउन कर दिया है, सो प्लीज़ आप मेरा सिविल स्कोर इंक्रीज करने में मेरी मदद करें। मैंने ओनली इतना लिखा है। तो आपको अगर लिखना है तो आप इस मैसेज को कॉपी कर सकते हैं, या मुझे आप ईमेल करेंगे तब भी मैं आपको दे दूंगा। और इतना आपको लिखना है, या तो आप उन्हें अपने हिंदी भाषा में, अगर आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, जो भी आती है, आप लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी टीम चेक कर लेती है। तो आपको जो भी आता है आप अपने भाषा में लिख दीजिएगा कि हाय आरबीआई टीम, मैंने जो है इस कंपनी से लोन लिया था, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे। देखो, जैसे कि मैंने बजाज से लोन लिया, होम क्रेडिट से लोन लिया, जेस्ट मनी से लोन लिया, धनी पे से लोन लिया, क्रेडिट भी कंपनी से लोन लिया, मैंने HDFC बैंक से लोन लिया, SBI बैंक से लोन लिया, मैंने इन सब कंपनियों से लोन लिया, टाइम से किस्त पे किया, मुझसे जो है टाइम से किस्त भी लिया गया, प्लस मेरी सिविल में गलत इंक्वायरी गलत तरीके का अपडेट कर दिया गया। तो मेरी आपसे विनती है कि आप हमारे इस सारे इंक्वायरी फालतू इंक्वायरी को आप रिमूव कीजिए और मेरी सिविल स्कोर इंक्रीज करने मेरी हेल्प कीजिए। तो जब आप ये सारी बातें हिंदी इंग्लिश जो भी आपको आता है आप लिख सकते हैं, या तो आप इस मैसेज को कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको चाहिए अगर ए वाला मैसेज तो आप मुझे ईमेल करोगे तो मैं आपको दे दूंगा, और आपको हमारे वीडियो में तो ए मैसेज सो ही कर रहा है। इसके बाद नीचे आपको अपना पूरा नेम लिख देना है, जो आपका नेम है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, जो आपका नंबर बैंक में रजिस्टर हो, जो आपके पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नंबर हो। आपका जो पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। आपको पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। यहाँ पे जो आपका एड्रेस है, जो बैंक में जो आधार कार्ड का एड्रेस है वो आपको लिख देना है इसके आगे, समझे ना। यहाँ पे आपको अच्छे से लिख देना है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको आता है। यहाँ पे आपको सिटी कौन सा है, आपका सिटी लिख देना है। अब यहाँ पे नीचे आपको बैंक का
स्टेटमेंट या तो आपने फोन पे, पेटीएम या आपने गूगल पे किसी तरीके से कंपनी को पेमेंट किया है या आपका पैसा बैंक से कटा है, उसका स्टेटमेंट निकाल लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है अटैच करना होगा। अटैच करने का बहुत आसान तरीका है, यहाँ पे देखोगे तो एक लोगो बना रहता है, ये देख रहे हो ना, तो आपको इसी लोगो पे क्लिक करना पड़ता है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये आपको लेकर चला जाएगा आपके जो है आपकी जो गैलरी है उसमें चला जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट हैं, आपकी कोई चीज़ें हैं तो आपका शो करेगा, आप यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे ला देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक अपना जैसे कि एक कोई भी चीज़ यहाँ पे लाने की कोशिश करता हूँ, डॉक्यूमेंट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास सैलरी स्लिप का PDF फॉर्म, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने देखो यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ऐसा आ जाएगा, आप देख रहे हैं ना, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट है या आपका PDF कोई फाइल है या बैंक स्टेटमेंट है, जो कुछ है आप यहाँ पे अटैच कर दो सारी चीज़ें। इसके बाद आपको रिगार्डिंग नेम में अपना पूरा नेम यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, आपको इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, इसी वाले ऑप्शन पे। जैसे आप क्लिक करोगे ए ईमेल चला जाएगा RBI के पास। RBI आपको करीबन वन डे से लेके आपको 15 वर्किंग दिवस के अंदर आपके पास सामने से रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि टाइम ही लगता है, क्योंकि और लोग भी मेल करते हैं। तो अगर आपका जो एरिया है अगर RBI के अंडर में नहीं आता है तो RBI आपके केस को आपके एरिया में ट्रांसफर कर देगा, वो हैंडल करेंगे। वैसे RBI की टीम ही करती है, तो वहाँ पे जांच पड़ताल होगा और RBI आपके पूरी डेटा को निकाल के आपको भेजेगा। पहले आपको आपके पास एक नोटिफिकेशन आया कि आपका एप्लीकेशन में रिसीव हो गया है, आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, आप ट्रैक कर सकते हैं उनके वेबसाइट से जाके। फिर इसके बाद आपको उनकी तरफ से एक बाद में हिंदी इंग्लिश में एक ईमेल आएगा, वहाँ पे सारा आपका रिकॉर्ड रहेगा, तो आपको बताया जाएगा कि ये आपका प्रॉब्लम हुआ है। अगर आपकी गलती नहीं है, अगर आप RBI को प्रूफ करते हैं कि मैं सही बंदा हूँ, मेरी सिविल मेरी गलती से नहीं खराब हुआ है, इन लोगों ने अपने तरफ से खराब किया है, 100% सही होगा। अगर आपने ECS बाउंस चार्ज किया है, लेट पेमेंट किया है, या आपने पैसा दो दिन एक दिन लेट पे किया है, तो आपका वहाँ पे सही नहीं किया जाएगा। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कंपनी में कॉल करना जहाँ से लोन आपने लिया है, पेमेंट करोगे ऑटोमेटिक रिमूव होगा। ये वीडियो उनके लिए है जो जेन्युइन पर्सन है, सारे किस टाइम से पे किए हैं। अगर आप देखो अगर आप बैंक के रूल तोड़ोगे, टाइम से पेमेंट नहीं करोगे, ECS बाउंस करोगे, उसमें आप अगर आपके अकाउंट में बैलेंस था, कंपनी ने पैसा काटा ही नहीं, तो आपकी गलती तो है नहीं, तो उस यहाँ पे आप उसका बैंक का स्टेटमेंट अटैच करो। और यहाँ पे जो मैंने मैसेज लिखा है ना, यहाँ पे आपको इस मैसेज में और लिख देना है कि सर मेरे अकाउंट में पैसा था, मैं पैसा रखा हूँ, इसका प्रूफ मैं आपको बैंक स्टेटमेंट में दिखा रहा हूँ, ऐसे आपको नीचे लिख देना यहाँ पे अटैच करके इसी मैसेज के अंदर नीचे। तो आप जब ये सारी चीज़ें लिख दोगे कि मेरे अकाउंट में पैसा था, इन लोगों ने काटा नहीं, बाद में फाइन चार्ज लगा दिया, मेरी गलती है क्या, तो ये सारी जब एक्सप्लेन कर दोगे तो आप अगर बैंक का स्टेटमेंट अगर अटैच कर दोगे, उनकी टीम चेक करेगी, आपकी गलती नहीं रहेगी, तो आपकी जो सिविल है वो वहाँ से उनकी तरफ से सही किया जाएगा। वो सही करते नहीं है, वहाँ से आदेश जारी करते हैं सिविल ब्यूरो को, और उनकी जो टीम है चेक करके वो सही करेगी। अब मैं आपको बता दूँ, जो लोग बोलते हैं भाई कि RBI नहीं सही करता है, देखिए भाई RBI आपका जैसे कि बैंकों का, कंपनियों का, समझे ना, उनको लाइसेंस देने वाला RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट जड़ के पास आप कंप्लेन करोगे तो वो डायरेक्टली आपके केस को आगे ट्रांसफर करेगा। अगर आप ये प्रॉब्लम सिविल ब्यूरो को बताओगे तो वो सही नहीं करेंगे जब तक उन्हें परमिशन आगे से नहीं मिलेगा। जब आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, आप ये चीज़ें बताओगे तो आपका सही कर दिया जाएगा, ये तरीका है। मैंने अपना इस तरीके से सही करवाया, मेरा सिविल स्कोर हाई हो गया, अभी कल मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया। अब जो लोग बोलेंगे भाई ये फेक है, ऐसा नहीं होता है, देखिए भाई फेक काम मैं नहीं करता हूँ, जेन्युइन आपको लगता है तो आप कीजिए, नहीं तो ये आपके ऊपर, मेरा काम है इंफॉर्मेशन देना, सही तरीके से बताना, आपकी मर्जी। अब जिसको सही लगता है वो इस कुछ को फॉलो करे, ना सही लगता है तो आपकी मर्जी। मेरा काम जो था मैंने आपको बता दिया, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहा, तो आप करिए ही, मैंने इसी तरीके से किया था और यही तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप इससे और अच्छे से कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप करके अपना सही करवा सकते हैं। ओनली मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जिसको भी ये सारे मैसेज चाहिए, ये सारे डिटेल्स चाहिए,
मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है, क्या करना है, आप मुझे ईमेल करोगे तो मैं आपको कॉपी देकर दे भी दूंगा। वीडियो कैसा लगा इसे लाइक कर देना दोस्तों, में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।